उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। पार्टी के पुराने नेता यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यशपाल आर्य 4 दशक से भी ज्यादा समय से कांग्रेस में थे और अब ये खबर आई है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को छोड़ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने यशपाल आर्य से बात की। हमारे साथ हरी सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य हैं, उनसे बात करते हैं। यशपाल जी, जब विजय भगोड़ा बीजेपी में शामिल हुए थे तब आपकी भी बात चल रही थी और आखिरी दौर में आप वापस लौट गए कांग्रेस की तरफ, बीजेपी नहीं आए। इतनी देर हुजूर आते आते क्यों लगा ली? देखिए, उस वक्त मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। कयास अनुमान लगाए जा रहे थे कि यशपाल आर्य उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी उस बारे में सोचा भी नहीं था। अब क्या हो गया ऐसा? अब क्या हुआ? फैसले बहुत कठिन होते हैं। 41 वर्ष का राजनीतिक जीवन और फैसले लेना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सोच समझकर मैंने फैसला लिया है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड तरक्की के रास्ते पर चले, खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े, समग्र विकास हो। जो हमारा पलायन रो हो रहा है, जो वहाँ के पर्यटन का व्यवसाय है वो ठप हो चुका है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, नौजवानों का हाथों में रोजगार नहीं है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है तो आप बीजेपी की तरफ आ गए हैं? मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं सत्ता से यशपाल आर्य कभी मोह नहीं रहा है, एक कार्यकर्ता के रूप में। एक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं आज कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो भी कहेगी, जो निर्णय करेगी, जो फैसला करेगी, जो आदेश करेगी, उसका यशपाल आर्य स्वीकार करेगा। मेरी यशपाल आर्य कोई अपनी कोई पसंद नहीं है। तो क्या वजह रही आपने कांग्रेस छोड़ने का डिसीजन 41 साल बाद कांग्रेस में रहने के बाद क्यों लिया? मैंने कहा कि अब जो गांधी जी की कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस, जो हमारी इंदिरा जी की कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, राहुल जी, राजीव जी की कांग्रेस, सोनिया जी की कांग्रेस, मैंने सोनिया जी के साथ उनके संरक्षण में काम किया। उनको राहुल गांधी वाली कांग्रेस पसंद नहीं आ रही है? देखिए, मैंने कभी टिप्पणी नहीं की है। मैं